वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे अनुपम खेर क्योंकि रोल बहुत ही छोटा था और मैं नहीं चाहता था कि वो एक छोटा रोल करें मेरी फिल्म में वरना हम दो तीन फिल्में कर चुके हैं तो अगर ऐसा कोई रोल होता तो अनुपम के पास ही जाता मैंने ये देखा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हमारे देश में वही कुछ बौखलाई हुई है वही कुछ सहमी सी हुई है ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी बौखलाई और सहमी हुई हो कि मतलब उसको कहने में थोड़ा डर लगता हो या शर्म आती हो कि मैं हिंदू हूँ या गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बाकी लोग तो कह रहे हैं तो ये सेकंड क्लास सिटीज़न है क्या हिंदू कि ये खुल के नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जब भी ये बोलता है तो सेकुलरिज्म का सवाल उठ जाता है तो फिर जब प्राउड टू बी मुस्लिम बोलता है कोई या प्राउड टू बी क्रिश्चियन बोलता है कोई तब सेक्युलरिज्म का सवाल क्यों नहीं उठता है? तो मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई प्रिवलेज सिटीजन हो नहीं मैं चाहता हूं कि कोई सेकेंड क्लास सिटीजन हो हिंदुत्व एकत्रित करें हम सबको इसी मंशा से मैंने ये फिल्म बनाई है हिंदुत्व का मतलब ध्यान है योग है संन्यास है सेलिब्रेशन है कितने त्यौहार हैं हमारे तो हिंदुत्व का मतलब तो वसुधैव कुटुंबकम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कह रहा हूँ वसुधैव कुटुंबकम यह पूरा संसार एक परिवार है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी परिवार वाले मुझ पर कुछ भी टिप्पणी करें मेरे देवी देवताओं पे मजाक यू नो बनाएं उनको तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हमें दुर्बल समझे हम शांति प्रिय हैं दुर्बल नहीं तो ये मैसेज इस फिल्म के जरिए मैं बहुत ही दो टूक देना चाह रहा था टाइटल को लेके तो मुझे कटघरे में थ्रू आउट खड़ा रहना पड़ा है <laughs> लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा घर सुंदर है इसका मतलब है मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपका घर बड़ा ही बकवास है क्या मैं मैं करण राज मैं अपनी तारीफ करूँ इसका मतलब क्या है मैं अनुपम खेर की या किसी और की मैं बुराई कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ तो अपनी बात करने में औरों को क्यों तकलीफ होनी चाहिए मैंने ओशो के जरिए महागीता से अष्टवक्र गीता से और न जाने कितने ग्रंथों से मैंने हिंदुत्व को समझा है तो मैं क्यों ना कहूं गर्व से कि मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सनातन धर्म कितना खूबसूरत और कितना गहरा है प्राचीन है तो मैं इसकी तारीफ करते थकूंगा नहीं आपको तकलीफ होती है आप मत सुनिए मैं आपके जेब में टिकट तो डाल नहीं रहा हूं घर की देखिए साहब मैसेज क्रिस्टल इन क्लियर तो नहीं निकलता है ये चर्चा का विषय है हिंदुत्व और चर्चा बनी रहेगी हिंदू फोबिया जो इस वक्त कुछ देश के टुकड़ों में पल रही है या दुनिया के कुछ टुकड़ों में पल रही है ये फिल्म उसका प्रॉपर जवाब देगी मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदू फोबिया कहीं भी हो क्यों होनी चाहिए इतने शांति प्रिय लोग हैं हम हम लोग छः सात सौ आठ सौ सालों की गुलामी से निकले हैं हमने क्या कर लिया तो हिंदुओं को सही समझा जाए और हिंदुत्व के मायने सही तरह से पूरी दुनिया जाने ये मेरी कोशिश है इस फिल्म में देखिए मेरी फिल्म बहुत साफ साफ बात करती है जो आशीष शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं भरत शास्त्री का और जो अंकित राज प्ले कर रहे हैं समीर सिद्दीकी का तो ये जब बात करते हैं तो बहुत खुल के बात करते हैं व्हाट्सएप में बात नहीं कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स में जिस तरह अभी यू नो एक चलन हो गया है कि जी आपका ग्रुप अलग मेरा ग्रुप अलग ऐसा नहीं है जो है आमने सामने बात हो रही है आप अपनी बात कह रहे हैं मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपको भी मौका मिल रहा है मुझे भी मौका मिल रहा है तो ये एक बोल्ड फिल्म है उस पर्सपेक्टिव से मैं तो दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि हर हिंदू इस फिल्म को हिट करेगा हिट बनाएगा और हिंदू बहुत भारी तादाद में आएगा इस फिल्म को देखने